इन दोस्तों, मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं अपना कार्सल मोटर। यह है हमारा RX 100, अपना ही पर्सनल। इधर से दिखा देता हूँ, ये RX 100 है, ठीक है। 98 दिख गया, 98 CC दिखा, 98 CC, ठीक है। अब करना क्या है, इसको परफॉर्मेंस हमको बढ़ाना है, जिसकी वजह से इसका जो रीड वेल्व है स्टॉक वाला, इसको हटा के इंडोनेशिया का जो रीड वेल्व है हमने कुरियर से मंगाया है, ठीक है। ये देखिए अपना एड्रेस है, मेरा नाम बेहरापाट 41 कार्सन मोटर, फोन नंबर, ठीक है। और ये है इंडोनेशिया से आता है केरला, और केरला से आता है, केरला से पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये आया है इसका, अब इसको खोल के देखते हैं कैसा है। देखिए ऐसा है, देखिए परफॉर्मेंस रीड वेल्व, इसको इधर रखता हूँ किनारे में। यह है परफॉर्मेंस रीड वेल्व, इसको खोल के देखते हैं कैसा है। कुछ इस तरह से है, देखिए ये रहा इंडोनेशिया का रीड वेल्व परफॉर्मेंस वाला, जो केरला से हम मंगाए, डायरेक्ट इंडोनेशिया से नहीं मंगा सकते ना। ये देखिए चमकदार, ये रहा रीड वेल्व। और जो स्टॉक रीड वेल्व है उसको भी मैं दिखा रहा हूँ, इसको अनवाउंड कर रहे हैं, अनइंस्टॉल। ये देखिए ये है स्टॉक रीड वेल्व, ये है स्टॉक रीड वेल्व जो गाड़ी में कंपनी से फिटेड था, और ये है इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया हुआ परफॉर्मेंस रीड वेल्व जो अभी गाड़ी में फिट होगा, और गाड़ी तो घोड़ा से कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अभी फिट करते हैं इसको। ये रहा उसका लोगो, इंडोनेशिया मेड इन। तो इसको फिट करते हैं, चलिए। ये रहा परफॉर्मेंस रीड वेल्व फ्रॉम इंडोनेशिया। ये देखिए ये इस तरह बनना चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। गाड़ी यहां से सांस लेता है, ब्रीथ करता है, ड्रेसिंग बोर्ड डाल डाल दिए हैं पैकिंग के लिए, ताकि वहां गैसकेट में लीकेज ना हो। और ये रहा, ठीक है। एक हाथ से फिटिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, पोस्ट कर लेता हूँ ताकि फिटिंग हो सके सही से। तो साथियों, हमने रीड वेल्व को फिट कर दिया इंपोर्टेड वाला, अब ये कार्बोरेटर को फिट करते हैं, ठीक है। फिर स्टार्ट करके गाड़ी देखेंगे। फिटिंग हो गया, ठीक है, फिटिंग हो गया, अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे।